खबर बेतिया से है। पश्चिम चंपारण जिले में विगत 8 माह से भी ज्यादा चले विचारण के बाद नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी सिकारिया पर अविश्वास लगाने, विशेष बैठक बुलाने और अविश्वास को पारित करने की पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले बेंच ने अवैधानिक बताकर रद्द करते हुए उन्हें पद पर पुनः बहाल कर दिया है। हालांकि प्रोन्नत नगर निकायों के बोर्ड को सरकार द्वारा भंग कर देने के एक अन्य मुकदमे का फैसला आने के बाद ही गरिमा देवी सिकारिया अपनी कुर्सी पुनः संभाल पाएंगी। हाईकोर्ट का ऑर्डर जारी होने के बाद शुक्रवार को आहूत एक प्रेस वार्ता में श्रीमती सिकारिया ने कोर्ट के आदेश की प्रति जारी करते हुए उपरोक्त फैसले की जानकारी दी। सिकारिया ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं, लेकिन करीब 11 माह की अथक लड़ाई के बाद मिली न्याय की जीत वास्तव में नगर निगम क्षेत्र के समस्त जनता जनार्दन की जीत है। प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया के साथ नगर निगम की जनता के लिए भी गरिमा देवी सिकारिया ने अपील जारी करते हुए अपने विरुद्ध षड्यंत्र का विस्तार से खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक विशेष रोड मैप और दूरदर्शिता पूर्वक बीते 4 साल से नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में अपने तन मन धन से लगी रही। इसको लेकर मिले जनता जनार्दन के अपार स्नेह और सरकारी राशि की लूट खसोट पर काफी हद तक रोक से नाराज असामाजिक तत्वों ने मेरा विरोध करने में नियम कानून व सामाजिक मर्यादा तक की सारी सीमाएं लांग दी। मौके पर पूर्व सभापति जनक साह, वार्ड 8 मनोज कुमार, वार्ड 10 श्रीमती देवी, वार्ड 15 कैसर जहां, वार्ड 16 शकीला खातून, वार्ड 17 अरुण कुमार, वार्ड 19 जरीना सिद्दीकी, वार्ड 21 मधु देवी, वार्ड 22 शहनाज खातून, वार्ड 26 दीपेश सिंह, वार्ड 27 रीता रवि इत्यादि निवर्तमान समर्थक पार्षद मौजूद रहे। तो आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरिमा देवी सिकारिया ने क्या कुछ कहा। इस बैलेट पेपर को सील कर दिया सारे और अविश्वास को पारित कर दिया। इसी अविश्वास पारित के खिलाफ जब हम लोग न्यायपालिका में गए, कोर्ट में गए, तो उसी का आज वर्डिक्स आए हैं। उसी वर्डिक्स के दौरान इस अविश्वास को पूरी तरीके से निराधार, निर्वचित और सर्वांगिक विकास में अवरोध पाने वाला पाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को निराधार माना गया है, तो मैं इसके लिए जनता जनार्दन को धन्यवाद देती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ कि जो अविश्वास किस कारण से लगाया था, जो प्रक्रिया उन्होंने चूज की थी, जो प्रक्रिया से अविश्वास लाया गया, जिस प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया और जो अविश्वास के प्रस्ताव में उन्होंने प्रोसीडिंग लिखी, उसको पूरी तरीके से न्याय डबल बेंच में खारिज कर दिया गया है। इसमें सत्य की जीत हुई है। सबसे कहना यह है कि इस 11 महीने के अथक लड़ाई में विकास कितना अवरुद्ध हुआ है, जिसमें हमारे षड्यंत्रकारी पार्षदगण जिन्होंने यह विश्वास लाया और जो उनकी मंशा थी, उस मंशा को वो पूरी करना चाहते थे लेकिन वो पूरी नहीं कर सके क्योंकि लूट की छूट उनको नहीं मिल सकी। उनके इस अविश्वास लाने के बाद भी मैंने एक लड़ाई लड़ी कि उनके पावर को सीज करा दिया, जो उस अध्यक्षता जो अविश्वास के प्रस्ताव की मीटिंग की पीठासीन पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी के पावर को हम लोगों ने सीज करा दिया। वो वित्तीय पावर को सीज करा देने के कारण वो कोई भी वित्तीय निर्णय नहीं ले सकते थे, फिर भी हमने सरकारी राशि को बचाने की पूरी कोशिश की। इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद हमारी लड़ाई जारी थी क्योंकि अभी भी हमें न्यायपालिका से न्याय नहीं मिला था। हम कोशिश कर रहे थे और इसी अथक कोशिश का प्रयास आज निर्णय आया है कि इसको अविश्वास को पूरी तरीके से खारिज किया जाता है। मेरा सम्मान मुझे वापस मिल रहा है, मैं इसके लिए जनता जनार्दन आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरी जो विकास की संभावनाएं हैं, मेरी जो सोच है, इस 11 महीने में बहुत ही कम रही क्योंकि मैं पूरी तरीके से चाहती थी कि विवेदिया भी एक स्मार्ट सिटी में डेवलप हो, जहाँ पे बिहार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है एक डेवलपिंग स्टेट बनने में, तो बेतिया भी विकास की धाराओं में बहे। मैं पूरी तरीके से चाहती थी कि रोड बने, मैं चाहती थी कि ड्रेनेज सिस्टम और सुदृढ़ हो, मैं चाहती थी कि सौदागृह बने, मैं चाहती थी कि बच्चों के लिए यहाँ पार्क बने और सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ लागू हो, यहाँ वाईफाई जोन बने, सब कुछ हो, लेकिन ये विकास को रोक दिया गया। और इस विकास के रोकने में बहुत बड़ा हाथ इन सभी पार्षदगणों का रहा है। मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहूंगी जो आगामी चुनाव जो आने वाले हैं, जो इनको मेरा सम्मान वापस करने का और मेरे इस सम्मान का दुरुपयोग करने का, मेरे सम्मान को गिराने का इन्होंने जो कोशिश की है, एक महिला को अपनी